कृषि ऋण माफ़ी के ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे हम फार्मर का आधार नंबर डालेंगे और ये हम डाल चुके हैं। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, अगर है तो डाल देंगे, हमारे केस में है, हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद किसान का जो राशन कार्ड है उसका नंबर डालना है। चलिए डाल देते हैं, याद रखें बिना राशन कार्ड के KYC नहीं होगी, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फैमिली लिस्ट में से चुनेंगे जो किसी किसान है और उनका नाम चुन के नेक्स्ट करेंगे। चलिए अगला पेज खुल रहा है, थोड़ा नेट स्लो है, ये खुल गया है। तीन चेक मार्क है, तीनों को चेक कर देंगे, मतलब टिक कर देंगे ध्यान से पढ़ के, हमने पहले ही से पढ़ा हुआ है इसलिए आँख मूंद के हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काम जितना स्पीड करोगे उतना अच्छा है। प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करना है, उसके बाद आप आधार गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब फिंगरप्रिंट वाले निशान पे क्लिक करेंगे, मॉर्फो का लाइट जल जाएगा और जो किसान है उनको बोलेंगे फिंगरप्रिंट लगाने के लिए। तो ये हमारा लाइट ही नहीं जला, कुछ दिक्कत आएगी, कुछ एरर आ रही है, देख लेते हैं। अनडिफाइंड लिख दिया है, तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। चलिए ये एक्सपायर्ड लिख रहा है, द रिक्वेस्ट, बैक करके पीछे जाएंगे। उसके बाद ये प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करके देखेंगे, नहीं हो रहा है, एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे। दोस्तों छोटी छोटी समस्या तो आएगी ही, आपको कैसे टैकल करना है वो आपके हाथ में है। चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद फिर से जितने भी चेक बॉक्स है सबको चेक कर देंगे। ये चेक हो गया, प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करेंगे। चलिए अब फिर से आधार वाले साइट पे हम आ गए हैं और कस्टमर का जो अंगूठा है वो लगवाएंगे। मोर्फो का लाइट जल चुका है, ऑथेंटिकेट हो रहा है, ये हो चुका है। अब फिर से हम जाएंगे रिडायरेक्ट होके कृषि ऋण माफ़ी के साइट पे और यहाँ पे फुल डिटेल आ चुका है, जितना भी KYC डिटेल है सारा कुछ आ चुका है, एक बार मिला लेंगे बढ़िया से। सब कुछ मिला लेने के बाद मेक 1 रुपीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे पॉपअप पे और थोड़ा देर वेट कर लेंगे। अब यहाँ हमें अपना CSC ID डालना है, तो चलिए फटाफट से डाल लेते हैं। ओके, ये डाल चुके हैं और क्लिक टू पे पे क्लिक करेंगे, फिर से पॉपअप आया, ओके करेंगे और वेट कर लेंगे थोड़ा। अब यहाँ पे CSC पासवर्ड डालना है, वैलिडेट पे क्लिक करके फिर वॉलेट पिन, ये हो गया पेमेंट सक्सेसफुल। और ये रसीद निकल के आ चुकी है, इसे प्रिंट कर देंगे और कस्टमर को 2 कॉपी दे दें ताकि 1 कॉपी वो अपने पास रखे और 1 बैंक में जमा करके आए। इसका फुल पेज प्रिंट करेंगे। चलिए हो चुका है, उसके बाद प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे। 1 मिनट, मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा। हाँ, तो प्रिंट पे क्लिक कर देंगे और ये प्रिंट हो चुका है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है,
केवाईसी करना। अगर अभी तक आप शुरू नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने आसपास के भेली भाइयों को भी शेयर करें ताकि वो भी आसानी से केवाईसी कर सके। और अगर कोई एरर आती है तो कमेंट पर ज़रूर बताएं हमें, हम उसे सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।